अरे यार माधवी, तुमने तो पार्टी का बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, उसके पति रंजीत ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। तो माधवी मुस्कुराते हुए बोली, आपने भी तो आज की पार्टी के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, यह सब मैंने अकेले थोड़ी ना किया है, आपने भी तो मेरी मदद की है ना। रंजीत हंस पड़ा और कहने लगा, पार्टी तो मैं शादी से पहले भी करता था, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे आने के बाद इन पार्टियों में एक अलग ही रौनक आ गई है। माधवी मुस्कुराते हुए बोली, बस बस अब ज्यादा तारीफ मत करिए और चलिए आप भी तैयार हो जाइए। 31 दिसंबर की रात को हर साल माधवी और रंजीत बहुत धूमधाम से नए साल का स्वागत करने के लिए अपने घर पर पार्टी का आयोजन किया करते थे। आज भी माधवी ने पार्टी की सारी तैयारियां कर रखी थी। उसका 7 वर्षीय बेटा अनमोल बहुत उछल कूद मचा रहा था। रात के 8 बजे मेहमान आने शुरू हो गए थे। पार्टी जरा देर से शुरू होती थी और रात के 12 बजे तक पार्टी चलती थी। उस पार्टी में कोई भी अपने बच्चे को लेकर नहीं आता था। माधवी और रंजीत ने भी अपने बेटे को खाना पीना खिलाकर उसके कमरे में सुला दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया ताकि बेटे की नींद भी टूटे तो वह उनकी पार्टी में दखल देने के लिए ना आ पाए। पार्टी पूरे शबाब पर थी। इधर थोड़ी ही देर में अनमोल की नींद टूट गई। उसने पहले तो दरवाजा खोलने की कोशिश की, फिर दरवाजा नहीं खुला तो वह जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगा, लेकिन बाहर लाउड म्यूजिक बज रहा था इसलिए किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। थोड़ी देर तक अनमोल रोता रहा, फिर वह कमरे में रोते हुए इधर उधर घूमने लगा। रोते रोते उसका गला सूख गया था तो उसने पास पड़े हुए बोतल से थोड़ा पानी पिया। पानी पीते हुए थोड़ा पानी फर्श पर गिर गया। जब पानी पीने के बाद वह आगे बढ़ा तभी उसका पैर फिसल गया और पलंग के कोने से उसका सिर जा टकराया। उसके सिर में गहरी चोट आई और सिर से खून बहने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा लेकिन उसकी चीख पुकार किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार रात के 1 बजे पार्टी खत्म हुई और तब माधवी बेटे के कमरे में उसे देखने के लिए आई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। वह अपने बेटे को उस हालत में देखकर चीख पड़ी। रंजीत भी उसकी चीख सुनकर दौड़ता हुआ आया। आज उन दोनों की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। छोटे बच्चे को इस तरह अकेले छोड़ने का परिणाम उन दोनों के सामने था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। उस घटना के बाद से माधवी एकदम टूट गई थी। वह गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। रंजीत तो ऑफिस चला जाता था तो उसका मन बहल जाता था, लेकिन माधवी दिन रात बस खुद को कोसते रहती थी और सोचती थी कि हमने अपने सुख के चक्कर में अपने बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। गलती तो उन दोनों से हुई थी और वह दोनों ही उसकी सजा भी भुगत रहे थे। माधवी कभी कभी खुद पर तमाचे बरसाने लगती थी कि उसकी गलती के कारण ही उसका बेटा उसकी गोद में नहीं है। सबसे ज्यादा दुख तो उन दोनों को इस बात का था कि माधवी अब माँ भी नहीं बन सकती थी, क्योंकि अनमोल के जन्म के समय ही कुछ जटिलताओं के कारण डॉक्टर ने उसे कहा था कि वह दोबारा माँ नहीं बन सकती। माधवी फिर भी खुश थी क्योंकि उसे एक ही बच्चा चाहिए था और अनमोल ही उसकी सारी खुशियों के लिए काफी था। लेकिन आज अनमोल उसकी जिंदगी में नहीं था और वह टूटकर बिखर चुकी थी। उसकी जिंदगी के इस तूफान ने उसके चेहरे से सारी हंसी और खुशी गायब कर दी थी। रंजीत भी पत्नी की यह अवस्था देखकर घबराता रहता था। कई डॉक्टरों से दिखाने के बावजूद माधवी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। इधर कुछ दिनों से माधवी देख रही थी कि रंजीत की दोस्त मोहिनी कुछ ज्यादा ही रंजीत से फोन पर बातें करने लगी थी। वह अधिकतर घर पर भी आ जाया करती थी और दोनों मिलकर पता नहीं कहां चले जाते थे। आज साल के आखिरी दिन माधवी सुबह से ही बस रोए जा रही थी। पिछले साल की दुर्घटना रह रहकर उसकी आंखों के आगे घूम जाती थी। तभी मोहिनी घर आई। रंजीत भी घर पर ही था। वह दोनों कहीं जाने लगे तभी मोहिनी का पैर लड़खड़ाया और रंजीत ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तभी माधवी की नजर उन दोनों पर पड़ी तो मोहिनी उसके पति का हाथ थाम कर बोली, हम दोनों थोड़ा बाहर से आते हैं, तुम अपना ध्यान रखना, और वह दोनों चले गए। माधवी सन्न सी रह गई। आज माधवी के पति रंजीत की दोस्त मोहिनी ने जिस तरह अधिकार पूर्वक रंजीत का हाथ पकड़ कर कहा कि हम थोड़ी देर में आते हैं, ये सुनकर माधवी हैरान थी कि ये लोग हम कब से बन गए। माधवी का मन बहुत विचलित हो उठा और वह सोच में पड़ गई कि मेरी जिंदगी में एक तूफान ही काफी नहीं था जो अब मेरा पति भी मुझसे दूर जा रहा है। अचानक से माधवी की नजर सामने पड़े आईने पर पड़ी। उसकी धसी हुई आंखें, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर उभर आए असंख्य दाग धब्बे, रूखे बाल, सूखे होंठ और उतरा हुआ चेहरा, मानो उसे चीख चीख कर कह रहा हो कि तुझमें ऐसा है ही क्या जो अब तेरा पति तेरा बनकर रहेगा। माधवी फुट फुट कर रो पड़ी। बेटा तो दोनों ने खोया था, लेकिन रंजीत शायद उस दुख से उभर गया था और वह जीवन की रंगीनियों की ओर ध्यान देने लगा था। लेकिन माधवी तो वहीं साल भर पहले ही छूट गई थी और अब दिन रात बस अपने बेटे की याद में आंसू ही बहाती रहती थी। वह सोच में पड़ गई कि क्या मर्द इतने निष्ठुर होते हैं।
कि अपने बच्चे की मौत के गम को भुलाकर वह इस तरह पत्नी से बेवफाई करने पर उतर आए। माधवी का दिल तड़प उठा। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं अपने बेटे को तो खो ही चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने पति को नहीं खोने दूंगी। वह झट से उठकर बाथरूम में गई। उसने अपने बहते हुए आंसू को पोछा और जल्दी से फेस वॉश लेकर अपना चेहरा धोने लगी। उसके बाद वो आईने के सामने आई। वह अपने चेहरे पर मेकअप लगाने लगी। उसने अपनी आंखों में काजल लगाया। होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने बाल सवारे, एक अच्छी सी साड़ी निकालकर पहनी और खुद को आईने में देखने लगी। अब वह पहले से बेहतर दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से ना जाने उसे क्या हुआ, उसने पाउडर का डिब्बा उठाकर आईने पर दे मारा, जिसके कारण कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। उसने एक एक करके अपना श्रृंगार नोच नोच कर फेंकना शुरू कर दिया। वो रोती जा रही थी, उसकी आंखों से बहते आंसू उसका मेकअप धोते जा रहे थे। उसने अपनी लिपस्टिक पोंछ ली। आंसुओं से उसका काजल उसके चेहरे पर बह चला था। उसने अपने बाल बिखेर लिए और फर्श पर गिरकर फुट फुट कर रोते हुए कहने लगी, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। मैं इतने दर्द में हूँ और मैं यह बनने सवरने का दिखावा करके अपने पति को नहीं रिझा सकती। यह मुझसे नहीं हो सकता। उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वह भगवान को पुकार उठी कि हे ईश्वर, तू मेरी भी जान ले ले, इस जालिम दुनिया में अब मुझसे जिया नहीं जाता। वो हिचकियां लेकर रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी पलकें भारी होने लगी और उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि रात गहराने लगी थी। अभी तक रंजीत का कुछ अता पता नहीं था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। इसी 31 दिसंबर की रात पिछले साल उसने अपने बेटे को खो दिया था और आज शायद वो अपना पति भी खो रही थी। तभी उसे बाहर से मोहिनी और रंजीत के हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। माधवी का मन भर आया कि दोनों घूम फिर कर वापस आ गए। तभी रंजीत ने अपने कमरे में प्रवेश किया। रंजीत को देखते ही माधवी ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। रंजीत उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए बोला, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। माधवी ने अपना सिर नीचे कर लिया। रंजीत ने उसका हाथ मुंह धुलवाया, उसका बाल समेटा और उसका हाथ थामकर उसे हॉल में ले आया। माधवी किसी मशीन की तरह उसके साथ चुपचाप चली जा रही थी। उसे यह सब बस एक दिखावा ही लग रहा था। हॉल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। माधवी सोच में पड़ गई कि मोहिनी लगता है वापस चली गई। तभी अचानक से हॉल की लाइट जल गई। पूरा हॉल तेज म्यूजिक की आवाज से गूंज उठा। सामने टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था और टेबल के पीछे मोहिनी एक छोटे से बच्चे की उंगली पकड़कर खड़ी थी। माधवी यह सब देखकर हैरान थी। रंजीत उस बच्चे का हाथ थामकर उसे माधवी के पास ले आया और कहने लगा, हमने जो खो दिया उसका दुख मुझे भी है, लेकिन हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं तुम्हारे दुख को ज्यादा कम तो नहीं कर सकता, लेकिन उस घाव पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। इसलिए मैंने और मोहिनी ने मिलकर तुम्हारे लिए यह सरप्राइज प्लान किया था। आज की रात ही तुम्हारी गोद सुनी हो गई थी ना, इसलिए आज ही मैं तुम्हारी गोद में यह बच्चा डालता हूँ। यही मेरे तरफ से नए साल का उपहार होगा। अब हम दोनों प्यार से इस बच्चे की परवरिश करेंगे। यह अनाथ है, इसे माता पिता की जरूरत है और हम बेऔलाद हैं। हमें बच्चे की जरूरत है, तो हम मिलकर एक प्यारा सा परिवार बनाएंगे। बोलो, क्या तुम हंसी खुशी मेरे साथ इस नए सफर पर साथ चलोगी। माधवी की आंखें झरझर आंसू बरसा रही थी। वह अपने पति को और मोहिनी को गलत समझने लगी थी, लेकिन आज सच्चाई जानकर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसका मन भी हल्का हो चुका था। इसके साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे उस नन्हे से बच्चे के रूप में उसे अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया हो। उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर खूब प्यार दुलार किया और प्यार से अपने पति की बाहों में समा गई। उसने मोहिनी को भी धन्यवाद दिया। तभी घड़ी के कांटे ने 12 बजने का इशारा किया और नए साल के आगमन की शुरुआत के साथ ही माधवी के जीवन में भी खुशियों की किरण आ चुकी थी। दोस्तों, छोटे बच्चों को और जलते हुए दीपक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हालत में नुकसान अपना ही होने की संभावना होती है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।